हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ राकेश यादव रिप्रेजेंटिंग सांदीपनी हायर सेकेंडरी स्कूल राजोदा। वी आर स्टडिंग अवर चैप्टर 5th अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस एपी विच इज कॉल्ड एंड इट इज़ रिलेटेड टू क्लास 10। वी आर डूइंग एक्सरसाइज 5.1। वी हैव डन अप टू 8 क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन 4। नाउ वी आर प्रोसीडिंग विद अवर 9th क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज। इसमें से कौन जो है वो एपी हैं, मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनाते हैं। इफ दे फॉर्म एन एपी, अगर वो एपी फॉर्म करते हैं तो फाइंड द कॉमन डिफरेंस। तो हमको कॉमन डिफरेंस निकालना है एंड राइट 3 मोर टर्म्स, और इसके आगे की 3 और टर्म्स हमको कैलकुलेट करके बतानी है। तो जैसे कि ये 9th क्वेश्चन है, इसमें जो हमारी सीरीज है वो ऐसी है 1, 3, 9, 27। तो हम यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया था, पहले ए लिख देते हैं, फिर 3-1 मीन्स सेकेंड में से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करते हैं और देखते हैं क्या वो थर्ड माइनस सेकेंड टर्म के बराबर है। सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, वो क्या थर्ड माइनस सेकेंड टर्म के बराबर है? तो यहाँ हमने देखा कि ये इट इज़ नॉट इक्वल। 3-1 2 होता है और 9-3 6 होता है, तो ये इक्वल नहीं है। तो हम यहाँ लिखेंगे बिकॉज कॉमन डिफरेंस डज नॉट एग्जिस्ट देयरफॉर इट डज नॉट फॉर्म इन एपी। ये एपी फॉर्म नहीं करता। अब ऐसे ही 10th क्वेश्चन को देखेंगे। मैं आपको फिर से बता देता हूँ, हम सबसे पहले ए लिखते हैं यहाँ पर, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करते हैं और देखते हैं क्या वो थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म को सब्ट्रैक्ट करने वाले पार्ट के बराबर होती है। अगर ऐसा हो जाता तो हम लिखते कि कॉमन डिफरेंस एग्जिस्ट्स और फिर हम एपी की 3 टर्म्स हमको और निकालनी पड़ती। लेकिन अब यहाँ पर चूंकि कॉमन डिफरेंस एग्जिस्ट ही नहीं करता है तो इट डज़ नॉट फॉर्म एन एपी। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10th देखिए, यहाँ पर फर्स्ट टर्म ए है। अब 2a में से a सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो 3a में से 2a को सब्ट्रैक्ट करने के बराबर है। यस ऑफ कोर्स दे आर इक्वल। इफ वी सब्ट्रैक्ट फर्स्ट टर्म फ्रॉम द सेकेंड टर्म इट इज़ a, एंड इफ वी सब्ट्रैक्ट सेकेंड टर्म फ्रॉम द थर्ड टर्म इट इज़ ऑल्सो a। सो दिस इज ओनली द कॉमन डिफरेंस बिकॉज कॉमन डिफरेंस एग्जिस्ट, कॉमन डिफरेंस एग्जिस्ट, डी इज इक्वल टू ए। कॉमन डिफरेंस इज ए, दिस कॉमन डिफरेंस इज ए बिकॉज इट इज एग्जिस्टिंग। सो वी विल हैव टू राइट दैट कॉमन डिफरेंस। अगर ये अस्तित्व में होता है तो उस कॉमन डिफरेंस को हमको लिखना होता है। यहां पर कॉमन डिफरेंस देखने को मिला तो हम लिखेंगे कॉमन डिफरेंस एग्जिस्ट देयरफॉर इट फॉर्म्स एन एपी। ये एपी का निर्माण करती है। अगर ये एपी फॉर्म करती है तो फिर हम लिखेंगे आगे की 3 टर्म्स। तो ये 1, 2, 3, 4 4 टर्म्स तक हमको दे रखा है। अब हम 5th टर्म निकालेंगे मीन्स ए फाइव को हम लिखेंगे a+4d। तो a+4d क्योंकि यहाँ जब हम 5 लिखते हैं तो उससे एक कम टर्म यहाँ पर हमको लिखनी होती है। ए एन का फॉर्मूला होता है a+n-1 इन ब्रैकेट इंटू डी। तो यहाँ पर 5 है तो ये यहाँ पर 4 लिखना होगा बिकॉज इससे एक टर्म कम लिखनी होती है यहाँ पर। तो a+4d लिखेंगे। तो a+4d मीन्स a+4a क्योंकि कॉमन डिफरेंस भी हमारा a है। तो a और 4a मतलब ये a है मीन्स 1a है, तो 1a+4a दैट इज 5a। इसी टाइप से हम a6 निकालेंगे। a6 a+5d होगी एज इट इज बिकॉज हियर वी आर राइटिंग a+4d इन केस ऑफ a5। सो इन केस ऑफ a6 इट विल बी a+5d, दैट्स व्हाई इट विल बी a+5a। हियर द कोएफिशिएंट ऑफ a इज 1, देयरफॉर इट इज 6a। नाउ a7,
A7 is equal to A plus 6D. A plus 6D means 1A plus 6A. That is 7A. तो ये आगे की हमने तीन टर्म्स और कैलकुलेट करके बता दी. ये 9th और 10th क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका. Now see our question number 11. It is a comma a square comma a cube comma a raised to the power 4 comma dash 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 means and so on. So our first term is a and a square minus a is equal to a cube minus a square. Take a common, it will be a minus 1. Here a square common a minus 1. So these are not equal. Because here it is a square, here it is not a. अब ये दोनों equal नहीं आए. क्यों? क्योंकि यहाँ पर a है, यहाँ a square है. अगर ये दोनों equal आते तो हम बोलते कि common difference exist करता है और तब हम AP की आगे की तीन terms calculate करते. लेकिन यहाँ पर चूँकि difference common exist ही नहीं करता है तो हम यहाँ लिखेंगे because common difference does not exist. फिर हम यहां लिखेंगे इट डज नॉट फॉर्म एन एपी. तो इसने एपी फॉर्म नहीं किया क्योंकि कॉमन डिफरेंस एग्जिस्ट नहीं करता है. कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हमने क्या किया था? सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट किया था, फिर थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म को सब्ट्रैक्ट किया था. और दोनों केसेस में जो दोनों पार्ट्स कैलकुलेट हुए तो वो दोनों इक्वल नहीं आए. अगर ये इक्वल आते तो कॉमन डिफरेंस एग्जिस्ट करता. ये इक्वल नहीं है तो हम लिख देंगे कि इट डज नॉट फॉर्म एन एपी. ये एपी नहीं बनाता है. नाउ सी अवर क्वेश्चन नंबर 12. हियर फर्स्ट टर्म इज रूट टू एंड लेट अस सब्ट्रैक्ट रूट टू फ्रॉम रूट एट एंड लेट अस सब्ट्रैक्ट रूट एट फ्रॉम रूट 18. सो दैट यू नो वेरी वेल वी मे राइट इट 2 × 2 × 2. तो 2 का एक पेयर बन के बाहर हो जाएगा माइनस. हियर इट इज रूट 2 एंड हियर इट इज 2 × 3 × 3. 3 का एक पेयर बन के बाहर हो जाएगा, 2 जो है रूट में ही रहेगा माइनस. हियर ऑल्सो वी कैन राइट 2 × 2 × 2. तो यहाँ पर 2 का एक पेयर बन के बाहर हो जाएगा. तो ये 2 का एक पेयर बन के बाहर हुआ तो 2√2 माइनस रूट 2 मीन्स 1√2 एंड हियर इट इज 3√2 माइनस 2√2. तो हम ये देखते हैं कि 2√2 में से हम 1√2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रूट 2 आएगा और 3√2 में से 2√2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो भी रूट 2 आएगा. मीन्स यहाँ पर कॉमन डिफरेंस एग्जिस्ट करता है, दोनों इक्वल आ गए हैं. अब हमने क्या किया था? सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट किया था, फिर थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म को सब्ट्रैक्ट किया था. सब्ट्रैक्ट करने के बाद में इसको फर्दर सॉल्व करके रूट से बाहर निकाल के क्वांटिटीज़ को, जो अगर रूट से बाहर आ रही थी पेयर बना करके, उनको बाहर निकाला पेयर बनाने के बाद में. और बाहर निकालने के बाद में इसको सॉल्व किया तो दोनों डिफरेंस सेम आ गए. अगर ये दोनों डिफरेंस सेम होते हैं मीन्स कॉमन डिफरेंस एग्जिस्ट. तो यहाँ हम लिखेंगे बिकॉज कॉमन डिफरेंस एग्जिस्ट What is that common difference? That d is equal to root 2. यहाँ common difference हमारा root 2 आया था. तो d is equal to root 2. Now we will have to calculate. First of all we have to write. It forms an AP. ये AP बनाता है. फिर अब हमको आगे की तीन terms calculate करनी होगी. So a5 निकालेंगे तो हम क्या लिखेंगे? a plus 4d. जैसा कि मैंने आपको बताया यहाँ जो लिखा होता है उससे एक टर्म कम यहाँ पर हम लिखते हैं. मीन्स 5 इज हियर मीन्स a प्लस 4d मीन्स रूट 2 प्लस 4√2 दैट इज इक्वल टू 5√2. बिकॉज हियर नथिंग इज देयर मीन्स 1 इज देयर इन मल्टीप्लीकेशन. सो 1√2 + 4√2. अगर यहाँ कुछ नहीं होता है तो 1 होता है. 1√2 में जब हम 4√2 को ऐड करते हैं तो 5√2 होता है. इसी टाइप से हम a6 निकालेंगे तो वो होगा a प्लस 5d. a प्लस 5d कैलकुलेट करने के लिए फिर हम 1√2
प्लस 5√2 लिखेंगे बिकॉज कॉमन डिफरेंस भी हमारा रूट टू है, तो 1√2 प्लस 5√2 दैट इज 6√2। इसी टाइप से हम a7 जब निकालेंगे तो हम लिखेंगे a प्लस 6d, वी विल राइट हियर a प्लस 6d बिकॉज 6 इज 1 लेस देन 7, सो a प्लस 6d विल बी देयर। नाउ वी मे राइट 1√2 प्लस 6√2 दैट इज इक्वल टू 7√2। तो इस तरीके से हमने इसकी भी लास्ट मतलब आगे की तीन टर्म्स कैलकुलेट कर ली लास्ट टर्म के बाद वाली, मींस 1, 2, 3, 4। तो इसलिए a5, a6 और a7 जैसा कि हमको क्वेश्चन में दिया था राइट थ्री मोर टर्म्स, तो थ्री मोर टर्म्स हमने कैलकुलेट करके लिख दी, ये इसका आंसर हो गया। नाउ सी अवर 13th क्वेश्चन, इट इज √3, √6, √9, √12, कॉमा एंड सो ऑन, एंड हियर इट इज 1² 3² 5² 7² एंड सो ऑन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट दिस, a इज इक्वल टू √3, a इज इक्वल टू √3 मीन्स फर्स्ट टर्म इज √3। नाउ अब हम सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करेंगे और फिर थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो √6 रूट से बाहर नहीं आता है। अब अगर हम यहाँ से √3 कॉमन भी लेना चाहें तो यहाँ हो जाएगा √2 - 1, क्योंकि √3 × √2 √6 होता है और √3 × 1 √3 होता है, और यहाँ से इसका रूट अगर हम कैलकुलेट करना चाहें तो वैसे ये सीधे कैलकुलेट होता है 3 - √6, तो ये इसके बराबर नॉट एट ऑल, इट इज़ नॉट पॉसिबल एट ऑल कि ये इसके बराबर हो, तो ये दोनों पार्ट्स इक्वल नहीं है, क्योंकि √9 को हम 3 × 3 लिख सकते हैं और रूट से बाहर आकर के 3 हो गया, तो 3 - √6 के बराबर ये वाली वैल्यू नहीं आएगी। तो LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, सो बिकॉज कॉमन डिफरेंस does not exist, therefore it does not form an AP. ये AP नहीं बनाता है। तो ये 13th क्वेश्चन में भी हमने सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट किया, फिर थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म को सब्ट्रैक्ट किया, तो ये 3 हो गया √9, हम 3 लिख सकते हैं, माइनस यहाँ पर √6 लिखा। अब इसी टाइप से हम अगर 14th क्वेश्चन देखें तो a इज इक्वल टू 1² है दैट इज इक्वल टू 1, d इज इक्वल टू मीन्स कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हमने क्या किया, 3 के स्क्वायर में से पहले 1 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट किया और फिर यहाँ 5 के स्क्वायर में से 3 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट किया। 3² = 9 - 1² = 1, 5² = 25 - 3² = 9। यहाँ हमने सेकेंड में से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट किया और फिर थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म को सब्ट्रैक्ट किया, दोनों देखते हैं चेक करते हैं हम इसको कि इफ़ दे आर इक्वल देन इट विल फॉर्म एन AP, कि कॉमन डिफरेंस एग्जिस्ट करता है, अगर ये इक्वल नहीं आते हैं तो कॉमन डिफरेंस एग्जिस्ट नहीं करता है। तो 9 में से 1 को सब्ट्रैक्ट किया दैट इज 8, एंड हियर इट इज 15 - 9 means it is 16, so it will not form an AP because it is not equal. हमने 9 में से 1 को सब्ट्रैक्ट किया, 25 में से 9 को सब्ट्रैक्ट किया, दोनों पार्ट्स इक्वल नहीं आए। अगर ये भी 8 होता तब हम बोलते कि AP है, but it is not 8, so we can say that it is not an AP because common difference does not exist. Common difference does not exist, therefore it does not form an AP. ये जो सीरीज है AP फॉर्म नहीं कर रही, तो जब हमको AP फॉर्म नहीं कर रही है तो उस केस में हमको आगे की तीन टर्म्स निकालने की ज़रूरत नहीं होती। दोनों केसेस में हमको आगे की तीन टर्म्स निकालने की ज़रूरत इसीलिए नहीं लगी क्योंकि इट डज नॉट कॉमन डिफरेंस डज नॉट एग्जिस्ट, देयरफॉर इट विल नॉट फॉर्म एन AP, सो दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो ओवर। नाउ सी इट इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन इज 1² 5² 7² 73, कॉमा
एंड सो ऑन. तो फर्स्ट टर्म दैट इज वन स्क्वायर, वो वन के इक्वल है. इसको चेक करेंगे, फाइव स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर इज इक्वल टू सेवन स्क्वायर माइनस फाइव स्क्वायर. तो फाइव स्क्वायर इज 25, माइनस वन इज 24 ईयर एंड सेवन स्क्वायर इज 49, 49 माइनस 25 बिकॉज फाइव स्क्वायर इज 25. हमने सेकेंड में से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट किया, फिर थर्ड में से सेकेंड टर्म को सब्ट्रैक्ट किया, तो फाइव स्क्वायर 25 है, वन स्क्वायर वन है, 25 माइनस वन 24, ऐसे ही सेवन स्क्वायर 49 है, फाइव का स्क्वायर 25 है, फाइव इंटू फाइव दैट इज 25, सेवन इंटू सेवन दैट इज 49. 49 में से 25 को सब्ट्रैक्ट करने के बाद में ये भी 24 आया, 9 माइनस 5 इज 4 एंड 4 माइनस 2 इज 2. सो LHS इज इक्वल टू RHS हियर. सो वी कैन से बिकॉज कॉमन डिफरेंस एग्जिस्ट्स, देयरफॉर इट फॉर्म्स एन AP. ये AP बनाता है. सो वॉट वी हैव टू डू नाउ, वी हैव टू कैलकुलेट द कॉन्जिक्यूटिव थ्री मोर टर्म्स आफ्टर दिस. मतलब हमको इसके बाद की तीन और टर्म्स निकालनी होंगी, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में पूछा है कि अगर वो AP फॉर्म करता है तो हमको आगे की तीन टर्म्स और कैलकुलेट करनी है. तो ये फोर टर्म्स यहाँ पर दे रखी है, मीन्स हमको A5, A6 और A7 कैलकुलेट करना है. तो A5 दैट इज इक्वल टू A+4D. A+4D मीन्स 1+4 इंटू 24, 4 इंटू 24. यहाँ पर हमको कॉमन डिफरेंस पता है कि 24 है, हमने कैलकुलेट किया है यहाँ पर कॉमन डिफरेंस, दैट इज 24. सो 1+4, 4 जा 16 एंड 4 2 जा 8 एंड 1 9, 96. 1+96 इज 97. नाउ A6 वी हैव टू फाइंड. A6 इज इक्वल टू A+5D. A+5D मीन्स 1+5 × 24. सो इट विल बी इक्वल टू 1+5, 4 जा 20 एंड 5 2 जा 10 एंड 2 12, 120. सो 120 प्लस 1 इज 121. एंड नाउ A7 ऑल्सो वी हैव टू कैलकुलेट. सो A7 इज इक्वल टू A+6D. A+6D मीन्स 1+6 × 24 बिकॉज वैल्यू ऑफ A इज 1 एंड वैल्यू ऑफ D इज 24. सो यहाँ पर A की वैल्यू 1 है और D की वैल्यू 24 है. तो ये हमने कैलकुलेट किया, तो ये 1+6, 4 जा 24, 6 2 जा 12 एंड 2 14. सो 144 प्लस 1 इज 145. तो इस टाइप से हमने इसके बाद की दो तीन टर्म्स और कैलकुलेट कर ली. तो इससे रिलेटेड हम 15 क्वेश्चंस जो थे क्वेश्चन नंबर 4 में, वो 15 क्वेश्चंस पूरे सॉल्व कर चुके हैं. अब हम 5.2 स्टार्ट करेंगे. नाउ सी आवर 5.2 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1. फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल गिवन दैट A इज द फर्स्ट टर्म, D द कॉमन डिफरेंस एंड AN द nth टर्म ऑफ AP. मीन्स यहाँ पर A फर्स्ट टर्म है, D कॉमन डिफरेंस है, N की वैल्यू दे रखी है यहाँ पर, और AN जो है वो nth टर्म है. तो यहाँ पर हमको ये वैल्यूज दी हैं और जो ब्लैंक स्पेस है, जैसे ये ब्लैंक है, यहाँ ये ब्लैंक है, यहाँ ये और ये दोनों ब्लैंक हैं, फिर यहाँ पर ये ब्लैंक है और यहाँ पर ये ब्लैंक है. तो इन सब केसेस में हमको वैल्यूज कैलकुलेट करनी है. ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए, मैं आपको एक कंसेप्ट बताता हूँ पहले सीधे कि AN इज इक्वल टू A+N-1 × D. ये हमारा फॉर्मूला होगा हर बार. तो जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन है, तो फर्स्ट क्वेश्चन के लिए हम सॉल्व करेंगे A की वैल्यू, AN की वैल्यू हमको निकालनी है, AN हमको कैलकुलेट करना है. तो AN इज इक्वल टू 7 प्लस N की वैल्यू यहाँ पर 8 है, तो 8 माइनस 1, और D की वैल्यू 3 है. तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो AN की वैल्यू क्या आएगी, 7 प्लस 7 इंटू 3.
तो ए एन कैलकुलेट करने के बाद आएगा 7 + 21 मीन्स 28। तो यहाँ हम 28 लिख देंगे इस ब्लैंक स्पेस में। मतलब हमको इन सभी क्वेश्चन में ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, जो कि मैंने आपको प्रूव करके बता दिया था इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में ए पी के। तो इस एक फॉर्मूले में हम ये वैल्यूज रख करके सब कैलकुलेट कर सकते हैं और ये फिल इन द ब्लैंक्स को फिलअप कर सकते हैं। अब क्वेश्चन सेकंड देखिए, इस क्वेश्चन सेकंड में ए की वैल्यू वापस हम सेकंड क्वेश्चन में अगर हम वापस यही फॉर्मूला लिखते हैं ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए की वैल्यू यहाँ पर क्या दे रखी है माइनस 18। तो हम ए की वैल्यू को यहाँ पर माइनस 18 रखेंगे, माइनस 18 प्लस एन की वैल्यू यहाँ पर 10 दे रखी है तो यहाँ 10 लिखेंगे, 10 माइनस 1, और डी की वैल्यू हमको दी नहीं है तो डी की जगह पर हम डी लिखेंगे, और ए एन की जगह पर हमको 0 दे रखा है तो ये 0 वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे, 0 इज इक्वल टू माइनस 18 प्लस 9D। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 0 प्लस 18 हो जाएगा इज इक्वल टू में 9D बचेगा, क्योंकि ये माइनस 18 RHS से LHS में लाए तो प्लस का 18 हो गया। अब यहाँ से D कैलकुलेट करेंगे तो वो 18 अपॉन 9 हो जाएगा, इस 18 के अपॉन में 9 चला गया तो D की वैल्यू आ जाएगी, तो 9 × 2 = 18, तो D की वैल्यू यहाँ से 2 कैलकुलेट हो जाती है। मीन्स ये कॉमन डिफरेंस हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है इस वाले क्वेश्चन में देखिए, थर्ड क्वेश्चन में A हमको नहीं दिया है, ए एन इज इक्वल टू फॉर्मूला लगाएंगे, ए एन इज इक्वल टू ए, ए इज नॉट गिवन, हमने ए को ए ही पुट करा, -3 कॉमन डिफरेंस है, एन की वैल्यू भी नहीं दी है तो एन माइनस वन, और कॉमन डिफरेंस -3 दे रखा है तो कॉमन डिफरेंस को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन हमको ए एन की वैल्यू दे रखी है तो यहाँ पर हम -5 लिखेंगे इज इक्वल टू ए प्लस माइनस, ये प्लस का माइनस में इंटू हुआ तो माइनस हो गया, 3 n हो जाएगा ये, और माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा 3। तो यहाँ से जब हम इसको कैलकुलेट करने जाएंगे तो -5 - 3 इज इक्वल टू ए माइनस 3 n, तो -8 इज इक्वल टू ए माइनस 3 n हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करना चाहें n, यहाँ पर ए एन की तो वैल्यू दी थी, n की वैल्यू नहीं दी है तो n को अगर हम n सब्स्टिट्यूट करते हैं तब उस केस में a की वैल्यू 3 n माइनस 8 हो जाती है, क्योंकि दो अननोन क्वांटिटी और गिवन कंडीशन में हमको केवल d मालूम था और a n मालूम था। तो अगर हम चाहें तो n के टर्म्स में या तो 3 n माइनस 8 लिख दें और n की वैल्यू को n ही रहने दें तो उस केस में 3 n माइनस 8 होगा, और अगर हम इसको चाहे कि a की टर्म्स में लिखना है तो a प्लस 8 अपॉन 3 जो है वो हम इसको लिख देंगे n को, और a को a पुट करेंगे फिर उस केस में। तो इस टाइप से इसमें चूंकि दो अननोन क्वांटिटीज़ हैं तो या तो ये n की टर्म्स में आएगा या a की टर्म्स में इस आंसर को हम लिख सकते हैं। फिर इसके बाद में फोर्थ क्वेश्चन देखिए, फोर्थ क्वेश्चन में हमको ए एन इज इक्वल टू ए की वैल्यू यहाँ पर -18.9 है, -18.9 प्लस एन माइनस वन, तो n की वैल्यू हमको नहीं दी है तो इसको n माइनस वन ही लिखेंगे। फिर d की वैल्यू हमको इसमें दे रखी है, d की वैल्यू 2.5 है, फिर an की वैल्यू 3.6 है तो इस वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे, 3.6 इज इक्वल टू -18.9 प्लस n माइनस वन के साथ में 2.5 का इंटू कर देंगे तो ये 3.60 लिख देंगे इसको लाइक डेसिमल में बनाने के लिए, प्लस 18.9 लिखेंगे यहाँ पर, और इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा 2.5 n -2.5, तो 3.60 और यहाँ 18.90। जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये वैल्यू, ये हम कौन सा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं फोर्थ वाला, तो 3.60 में 18.90 इसको ऐड किया तो 0 और 0 तो 0 हो गया, फिर 6 और 9 15 हो गए, फिर 4 और 1 5 हो गए।
ये देखिए 6 जस्ट अ सेकेंड, इसको हम कैलकुलेट कर लें, 0 प्लस 0 इज 0, 6 प्लस 9 इज 15, कैरी ऑन 1, 4 प्लस 8 इज 12, कैरी ऑन 1, 1 प्लस 1 इज 2, 22.50 होगा ये, और इज इक्वल टू में इस माइनस 2.5 को आप इधर शिफ्ट कर सकते हो, तो प्लस 2.50 लिख दो इसको, तो इज इक्वल टू में 2.5n बचेगा। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो बिकॉज इट इज 22.50 एंड 2.50 मींस इट विल बी 25 इज इक्वल टू 2.5n, ये दोनों को ऐड करेंगे तो 25.00 आएगा, क्योंकि 22 एंड 2 24 और 0.5 और 0.5 1 होता है, तो 24 और 1 25, तो यहां से n की वैल्यू जब हम कैलकुलेट करेंगे तो वो 25 अपॉन 2.5 होगी, यहां से डेसिमल हटाएंगे तो एक जीरो लग जाएगा, मींस 250 अपॉन 25, तो ये वैल्यू हमारी होगी 10, यहां से हमको n की वैल्यू 10 मिली, तो n की जगह पर हम यहां पर 10 लिख देंगे। फिर इसके बाद में फिफ्थ वाला क्वेश्चन देखिए, फिफ्थ वाले क्वेश्चन में हमको a की और d की और n की वैल्यू दे रखी है, हमको an कैलकुलेट करना है, मींस ये जो फर्स्ट वाला पार्ट है इसके जैसे ही सॉल्व होगा ये फिफ्थ क्वेश्चन। तो फिफ्थ क्वेश्चन जब हम सॉल्व करेंगे तो an कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर हम 3.5 रखेंगे, ये फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, तो इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, a की वैल्यू 3.5 है प्लस यहाँ n की वैल्यू कितनी है 105 माइनस 1 और d की वैल्यू इसमें हमको 0 दे रखी है, तो जब d 0 होता है तो 3.5 ही बचेगा, क्योंकि 104 का 0 में इंटू भी होगा, अगर 105 में से 1 माइनस करेंगे तो 104 का 0 में इंटू भी हुआ तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर 0 हुआ इसलिए इसकी वैल्यू 3.5 आएगी, तो ये वाले क्वेश्चन का आंसर 3.5 होगा। तो इस तरीके से हमने ये शुरू के 5 क्वेश्चंस जो हैं फर्स्ट के, इसको हमने कंप्लीट किया, फिल इन द ब्लैंक्स को, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग इट, वॉचिंग अवर चैनल सांदीपनि हायर सेकेंडरी स्कूल राजोला टिल लास्ट, एंड प्लीज़ डू लाइक अवर चैनल सांदीपनि हायर सेकेंडरी स्कूल राजोला, लाइक इट, सब्सक्राइब इट एंड शेयर इट एज मच एज पॉसिबल।